हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूजा करते समय ऐसी क्या चार चीज हैं जो कभी बासी नहीं होती, उनको आप दोबारा यूज कर सकते हो। आज ऐसी चार चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो अपने धार्मिक शास्त्रों में मान्यता है कि किसी भी बासी चीज को यूज नहीं करना, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में यह भी बताया गया कि ये चार चीजें, इनको आप वापस यूज कर सकते हो। नंबर वन, फर्स्ट, गंगा जल। आप जानते हो गंगा जल कितना पवित्र होता है। गंगा जल को आप एक बार भर के लाते हो गंगा नदी से, उसको आप कितने ही सालों तक पड़ा रहता है फिर भी वो खराब नहीं होता है। उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार वापस यूज कर सकते हो। वो पानी कभी गंद या सड़ान नहीं मारता है, इसलिए उसको आप दोबारा यूज कर सकते हो। सेकंड है बेलपत्र। आप जानते हो बेलपत्र शिव जी को कितना प्रिय है। बेलपत्र औषधि में भी काम आता है। बेलपत्र को एक बार चढ़ा के दोबारा भी उसको धो के चढ़ाया जा सकता है, इसीलिए बेलपत्र को पूजा में दोबारा धो के आप यूज कर सकते हो। थर्ड है कमल का फूल। कमल का फूल भी अपने धार्मिक शास्त्रों में इसका बहुत मान्यता है। कमल का फूल को कहते हैं धार्मिक शास्त्रों में, ये 5 दिन तक बासी नहीं होता है। इसको आप एक बार यूज करके दोबारा वापस इसको धो के यूज कर सकते हो। फोर्थ है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी अपने धार्मिक मान्यता है कि ये बहुत ही आयुर्वेदिक में बहुत ही उपयोगी चीज है। खांसी हो या कुछ भी हो, काढ़ा बना के इसका अपन यूज कर सकते हैं। धार्मिक पूजन हो, कुछ भी हो, तो आप तुलसी के पत्ते अगर पुराने भी हो जाए, सूखे भी हो जाए, तो उनको धो के आप वापस यूज कर सकते हो। तो आज मैंने आपको बताई ये चार चीजें जिसको आप वापस दोबारा यूज कर सकते हो। इसी के साथ आज यही दोस्तों, नमस्कार।